नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पत्रिका कीनोट सलोन में। ये ऐसी जगह है जहां पर हम ऐसी शख्सियतों को लेकर आपके साथ हाजिर होंगे जिनसे आप सवाल पूछना चाहते हैं, जिनसे आप जानना चाहते हैं उनके मन की बात, और आप शेयर करना चाहते हैं अपने दिल की बात। आप पूछना चाहते हैं सवाल इस विषम परिस्थितियों को लेकर कि आखिर कोरोना की जद में हम कब तक हैं और कैसे इससे बाहर निकलेंगे। हम इस सेशन में आपको लगातार नई शख्सियतों से मिलाएंगे, नए लोगों को आपके साथ लेकर आएंगे। आज इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में पत्रिका की नोट सलून में। इसमें हम आपसे गजेंद्र जी, हम इसका मॉडल आपको बता दें कि इसमें हम आपसे सवाल करेंगे और हम अपने ऑडियंस के सवाल भी आपसे पूछेंगे जो फेसबुक लाइव के दौरान आएंगे, हम उनके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल आपसे यही। धन्यवाद शैलेंद्र जी। जी स्वागत है आपका। कल प्रधानमंत्री मोदी जी कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 2 आने की संभावना है, तो क्या कुछ है? आप सरकार के मंत्री हैं और सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो देश को क्या किस तरह की नई परिस्थितियां परसों से देखने को मिलेंगी? देखिए, कुछ विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ विचार विमर्श अभी जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि सब मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके विचार करने के बाद ही भी निर्णय लेंगे। अभी कल और परसों में सारे ही देश के लगभग मुख्यमंत्रियों से वार्ता हुई है, प्रत्यक्ष रूप से सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी वार्ता हुई, और इसके अतिरिक्त से कुछ व्यक्तिगत रूप से भी कुछ माननीय मुख्यमंत्री और अन्य ऐसे वरिष्ठ लोगों से बातचीत हुई है। सरकार के स्तर पर आज उस पर रचना हो रही है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी आगे की जो है वो इस कोरोना की जैसी वैश्विक आपदा, इससे लड़ने पर के लिए भारत को आगे किस तरह से ले जाना है और साथ ही साथ में किस तरह से हमारे लोगों को कम से कम कष्ट हो, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज साथ साथ में एक रिवाइवल हो और हमारे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग निर्बाध रूप से काम कर सके, किसान बंधु, इस दृष्टिकोण से कल माननीय प्रधानमंत्री जी 10 बजे देश को बात करें। एक गजेंद्र जी, एक बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले कही थी। उन्होंने कहा कि जब पहली बार लॉकडाउन जब घोषित करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि जान है तो जहान है, लेकिन जब अब की बार आए तो उन्होंने कहा कि जहान भी बचाना है और जान भी बचानी है। तो जहान बचाने को जो कारोबार से जोड़कर देखा जा रहा है, तो किस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी, किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा, उसके पास उनके पास में ऐसा कहने के लिए बहुत ठोस आधार। उनके नेतृत्व में देश की सरकार ने जिस तरह से इस वैश्विक आपदा से निपटने के लिए तैयारी की, चीन में जब सबसे पहले ये जब इस बीमारी का आउटब्रेक शुरू हुआ, पहला केस आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद में जब WHO ने इसे ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया, और ग्लोबल पेंडेमिक घोषित करने के साथ साथ में ही भारत में जिस तरह से तैयारी की गई, पहला केस जब चाइना में रिपोर्ट हुआ उसके साथ में ही हमने अपने यहाँ से N95 मास्क के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, मेडिसिन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, सारे रिलेटिव तैयारी जो है वो प्रारंभ कर दी थी। एहतियातन जिस तरह के प्रबंध किए जाने के, विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग, और क्योंकि बीमारी विदेश से आ रही थी वो भी प्रारंभ हुई थी। लेकिन उसके अतिरिक्त भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को सोशल डिस्टेंसिंग का आह्वान किया, जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, और जिस संकल्पबद्धता के साथ में पूरे देश ने एकजुट होकर के जनता कर्फ्यू को फॉलो किया, और उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को लॉकडाउन का महत्व, उसकी आवश्यकता समझाते हुए देश को संबोधित किया, उसके निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम हुए। अगर आज 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू हुआ था, उस दिन से लेकर के आज तक की परिस्थितियों को मैं इवेल्युएट करूं, तो मरीजों की संख्या दुगने होने की दर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में जहां 2.5 है, स्पेन में 2.7 है, जर्मनी में 2.9 है, इटली में 3 है, 3 दिन में जो है वो वहां की संख्या दुगनी हो रही है, फ्रांस में 3.1 है। आज भी भारत में दुगनी होने में जो दिन लग रहे हैं वो भारत में 4.1 डेज लग रहे हैं, 4.2 अप्रोक्सीमेटली डेज लग रहे हैं, जो कि वास्तव में जो है एक बहुत बड़ी सफलता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से स्टेप्स उठाए गए,
और साथ साथ में इस इतने दिन के समय में जो ये लॉकडाउन और लॉकडाउन से पहले का समय जो सरकार को मिला, और इस लॉकडाउन के कारण से देश का सहयोग के कारण से, देश के आम व्यक्ति के सहयोग के कारण से, जिस तरह से हम इस बीमारी को फैलने की गति को धीमा कर पाए, उसके कारण उसके आधार पर आज हम कह सकते हैं कि हमने जान को भी और जहान को भी दोनों को बचाने में कामयाबी पाई है। और साथ ही साथ में जिस तरह से आज इस दवा, इस बीमारी से जुड़ी हुई दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन को जिस तरह से हमने दुनिया के दूसरे देशों को, अमेरिका से लेकर के हमारे सारे पड़ोसी देशों को अपनी आवश्यकता की, अपनी आपूर्ति की 70-80 लाख पेशेंट तक हो जाएंगे, उनके लिए आवश्यक ट्रीटमेंट के लिए 10 करोड़ टैबलेट्स को अपने लिए रिजर्व करते हुए हमने दुनिया के दूसरे देशों को, मतलब जहान को बचाने के लिए भी हमने काम किया। जैसा एक कथा है, मैं एक शैलेंद्र जी एक मिनट में और खत्म करूं, एक कथा आती है कि हमारे पुराणों में कि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में से अमृत निकला था, वो दुनिया के विषरूपी तत्व को समाप्त करने के लिए निकला था और धन्वंतरी ने उसमें से जन्म लिया था समुद्र में से। धन्वंतरी को हम आयुर्वेद में जो है हमारे पौराणिक व्यवस्था के अनुरूप स्वास्थ्य का या चिकित्सा का देव मानते हैं। मुझे लगता है कि भारत ने अब वर्तमान इस ग्लोबल पैंडेमिक की अवस्था में, जब पूरे दुनिया के विश्व को इस बीमारी को समाप्त करने के लिए एक धन्वंतरी के वैश्विक धन्वंतरी की भूमिका को निभाया। जी, वैश्विक धन्वंतरी की भूमिका में हम लोग आ रहे हैं। एक सवाल जो आया है, ये सवाल दुर्ग सिंह राज पुरोहित जी पूछ रहे हैं राजस्थान से। वो कह रहे हैं कि कोरोना से निपटने के लिए भीलवाड़ा का जो मॉडल है उसकी झूठी कहानी बनाई जा रही है, उसको खड़ा किया जा रहा है, रामगंज वही विपरीत उसका मॉडल है। ये जो दो मॉडल है, दोनों अलग अलग मॉडल, शायद वो सवाल को समझ कह नहीं पा रहे अपनी बात। वो कह रहे हैं कि भीलवाड़ा मॉडल जो है वो पूरी तरह से एक अच्छा मॉडल है जिसमें हमने रिकवर कर लिया केसों में। मैं दुर्ग सिंह जी के सवाल को समझ रहा हूँ। ऐसा है शैलेंद्र जी, भीलवाड़ा में निश्चित रूप से देखिए, अगर ऐसी वैश्विक आपदा के समय में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन का कोई भी हिस्सा, चिकित्सा से जुड़े हुए लोग, सब लोग मिलकर के यदि एक भी व्यक्ति को रोकने में, एक भी व्यक्ति तक संक्रमण को रोकने के लिए काम करते हैं, उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। लेकिन देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। भीलवाड़ा में यदि किसी को वास्तविक रूप से धन्यवाद देने की आवश्यकता, सरकार ने किया, सरकार ने एफर्ट्स किया, वो निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य है। लेकिन भीलवाड़ा में रोग किस तरह से फैला था कि वहां के दो डॉक्टर दंपत्ति जो विदेश से आए थे, उनको जब इस बात की जानकारी हुई कि उनको इस तरह का कोई शायद इन्फेक्शन हो सकता है, उन्होंने अपना टेस्ट कराया, टेस्ट में पॉजिटिव आते ही उन्होंने तुरंत सूचित किया, अपने हॉस्पिटल के लोगों का टेस्ट कराया और अपने उनसे जितने पिछले दिनों में लोग मिले थे जो उनके हॉस्पिटल में आए थे, जिन्होंने उनसे कंसल्टेंसी किया था, उन सब की सूची उपलब्ध कराई ताकि लोग जो है लोगों को और आगे इन्फेक्शन रोकने से फैलने से रोका जा सके, कम्युनिटी इन्फेक्शन के स्टेज पर नहीं जाए। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, वहां के स्थानीय प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन कर्फ्यू और लेकिन भीलवाड़ा की जनता को मैं इस समय में सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरह से पूरी प्रतिबद्धता के साथ में इस कर्फ्यू को फॉलो किया, आज एक छोटे से थाना हल्के में अगर कर्फ्यू लगाना पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो शैलेंद्र जी निश्चित रूप से हम सब लोगों के अनुभव में आया होगा कि चार थानों की पुलिस को इकट्ठा करना पड़ता है, एक बड़ी घटना हो जाए आसपास के जिलों से रिजर्व पुलिस फोर्स को जो है वो बुला करके डिप्लॉय करना पड़ता है, एक भी पुलिस का अधिकारी बाहर से नहीं बुलाया गया, एक भी कर्मचारी सिपाही बाहर से नहीं बुलाना पड़ा, क्योंकि जनता खुद जो है वो जागरूक थी और जनता खुद इस युद्ध के लिए तैयार होकर के साथ में खड़ी थी। जबकि रामगंज में ठीक जो है उलट परिस्थिति है, वही राजस्थान की सरकार थी, वही प्रशासन था, वही सब लोग थे, लेकिन रामगंज में या टोंक में काबू क्यों नहीं हो पाया, वहां क्यों नहीं इस तरह का कर्फ्यू स्ट्रिक्टली इम्पोज हो पाया, ये निश्चित रूप से जनता के जो है प्रश्न जनता के दिमाग में है। एक ही सरकार, एक ही प्रशासन का की व्यवस्था होने के बाद में दो अलग अलग तरह के मेजर्स क्यों रहे और अलग अलग तरह के परिणाम क्यों हुए, ये निश्चित रूप से दुर्ग सिंह जी जैसे अनेक लोगों के मन में ये प्रश्न निश्चित रूप से होगा। एक रोहित सिंह भदौरिया जी का सवाल आया है, वो कह रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन बढ़ाने जा रही है, अच्छी बात है, लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाने से पहले उन लोगों के बारे में सोचा जाना चाहिए था जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, अपने राज्य वापस या घर वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई इंतजाम होने चाहिए। ये निश्चित रूप से भदौरिया साहब की चिंता को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ऐसे समय में, ऐसे कठिन परिस्थिति में एक भावनात्मक दबाव हर एक व्यक्ति महसूस करता है, जो परिवार से बाहर है वो भी,
और जो पीछे उनका परिवार गांव में है। वैसे भी भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और हमारे देश में कि एक खूबसूरती है कि देश का के अनेक अनेक लोग, कोटि कोटि से लोग जो है एक दूसरे प्रदेश में अलग अलग व्यापार व्यवसाय श्रम रोजगार के निमित्त रहते हैं, जो है अपने घरों से परिवारों से दूर रह करके वहां काम कर रहे हैं। लॉकडाउन ने दो तरह की चुनौतियां खड़ी की, एक तो उनका रोजगार बंद हुआ और दूसरा उनके ऊपर ये भावनात्मक प्रेशर बिल्टअप हुआ। लेकिन ये ऐसी वैश्विक आपदा थी कि इस आपदा के समय में यदि हमने 5 दिन का, जैसा कुछ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले मित्रों ने भी कहा कि पहले हमने प्रिपेयर्डनेस के साथ में नहीं किया, 5 दिन का समय देना चाहिए था देश के लोगों को। आज राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो राजस्थान का 1 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर अन्य प्रांतों में रह करके और अपनी आजीविका के लिए, अपने अन्य रोजगार के लिए, पढ़ाई के निमित्त बाहर रह करके अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर ऐसे देश भर में लोगों को माइग्रेट एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने की अनुमति सरकार देती 5 या 7 दिन का समय दे लगता, मुझे लगता है इस लॉकडाउन का अभिप्रेत ही समाप्त हो जाता। और आज भी मैं जानता हूं मेरी तमाम संवेदनाएं, मैंने कम से कम पिछले 21 दिन या 25 दिन के इस कालखंड में हजारों की संख्या में कॉल्स को मेरे ऑफिस में अटेंड किया होगा, टेक्नोलॉजी के आधार पर मेरे यहाँ सिस्टम पे कंप्यूटर पे कंप्लेंट्स दर्ज होगी, हजारों लोगों को हमने सहयोग करने की कोशिश भी की होगी, लोगों को भोजन पहुंचाने की कोशिश भी की होगी, सब व्यवस्थाएं की होगी, लेकिन मैं उनकी संवेदनाओं को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनके भावनात्मक दबाव को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूं। लेकिन ये समय की मांग है, देश की मांग है, देश की रक्षा का प्रश्न है। इस समय में हमको इन सब चीजों से ऊपर उठ करके विचार करना पड़ेगा। एक एक सवाल ये इस समय उठता है कि विश्व श्रमिक संगठन जो है, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि जो लॉकडाउन है और ये अगर हालात है जो हम मंदी की तरफ जिस तरह से दुनिया बढ़ रही है, उसका असर ये होगा कि अकेले भारत में 40 करोड़ मजदूर गरीबी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको लेकर भी ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंताजनक बात होगी, इसको लेकर सरकारी स्तर पर क्या तैयार है? देखिए, सरकार के स्तर पर जिस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए, यहाँ भी जैसा मैं आपसे एक चर्चा कर रहा था कि दो स्कूल ऑफ थॉट है, दो तरह के विचारधारा है। कुछ ऐसे लोग जो पॉजिटिवली इस दिशा में सोच रहे हैं, वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये वैश्विक आपदा भारत के लिए रोजगारों का एक नया अवसर लेकर के आएगी। लेकिन ये निश्चित है, चाहे हम किसी भी विचारधारा को समर्थन करते हो, चाहे स्कूल ऑफ थॉट ए को या बी को, दोनों में से किसी को भी, लेकिन मैं ये बात विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि दुनिया में कई चीजों में बदलाव होने वाला है और उसके कारण से भारत जैसे उभरते हुए देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारे नए अवसर इसके द्वारा खुलने वाले हैं। चुनौती पूरे विश्व के सामने है, इकोनॉमिक स्लोडाउन पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा। इस समय में जो देश अपने आप को इस आपदा से, इस विपदा से बचा करके इस समय में ज्यादा तेजी से रिवाइवल कर पाएगा और अपने लोगों की दुख तकलीफ को ज्यादा ठीक से संभाल पाएगा, ऐसे देश निश्चित रूप से आने वाले समय में एक लीडर की तरह इमर्ज होंगे। ये मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। सरकार ने ऐसे गरीब लोगों की सुविधा के लिए, उनके सहयोग के लिए जिस तरह के निर्णय किए, मैं बहुत लंबे विस्तार से उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए जिस तरह से 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, 80 करोड़ गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था की, 3 महीने तक उनको राशन जो है फ्री मिले, 5 किलो के दर 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल फ्री मिले, उसके साथ साथ में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, उन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को जो है उनकी ESIPF का पैसा जो है वो 100% सरकार जमा कराए, वो भी जो है एम्प्लॉयर पर नहीं आए, उनको उसमें से 70% पैसा लोन लेने की सुविधा मिले। इसके अतिरिक्त जो गरीब महिलाएं, माताएं, बहनें, जिन सारी योजनाओं का एक विषय आप लोगों के आपके माध्यम से आपके सारे श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूं, जिन योजनाओं का विरोध किया गया था, जिनको थोती बता करके विरोध किया गया था, जिनमें कमियां ढूंढने की कोशिश की गई थी, वही सारी योजनाएं आज सेवियर है। हमने DBT की बात की थी, तब DBT का विरोध कर रहे थे, तब हम जब हमने जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात की थी, लाल किले से यह कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कि 10 करोड़ खाते खोल करके देश के गरीब घर को जो है DBT की सुविधा प्रदान करेंगे, उसमें अनेक तरह की कमियां ढूंढने की कोशिश की गई, 35 करोड़ खाते खुले और आज वो खाते जिनकी महिला मुखिया है, ऐसे लगभग 20 करोड़ खातों में
9930 करोड़, लगभग 10,000 करोड़ रुपए, 500 रुपए प्रति माह के आधार पर हमने देना ऐसा सुनिश्चित किया और वो जा रहा है। जो गरीब महिलाएं हैं, ऐसे विधवा हैं, जो बेसहारा हैं, बूढ़े हैं, दिव्यांग हैं, ऐसे सब लोगों के लिए भी लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर उसके माध्यम से हो पाया। उनको लेकर चाहे वो यूएस में हो चाहे यूके में हो, जहां अभी कोरोना का बहुत बड़ा कहर चल रहा है और बहुत सारे बच्चे जो हिंदुस्तान के हैं वहां नौकरियां कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के बारे में, ऐसे जो परिवार है उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है? या देखिए, ऐसे केवल नौकरी करने वाले लोग नहीं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो परिवार के साथ रह रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए तो निश्चित ही जो है हमारी चिंता है ही, लेकिन उनसे भी ज्यादा मेरे लिए चिंता का विषय ऐसे स्टूडेंट्स है जो दुनिया के दूसरे दूसरे देशों में दूसरे कोनों में रह रहे हैं। हमारे देश की सरकार के जितने दूतावास भारत के दुनिया भर में हैं, सब दूतावासों को इसके लिए 24/7 उन लोगों का सहयोग करने के लिए, उन लोगों को यथाशक्ति सहायता पहुंचाने के लिए, उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं हो इसके लिए व्यवस्था की गई है, उनको निर्देशित किया गया है। ईरान जैसे कुछ देश जिन्होंने हमारे लोगों को डिसोन कर दिया था, उनको लाने की व्यवस्था भी की गई। आने वाले समय में थोड़ी सी स्थितियां अनुकूल होने के बाद में ऐसे सब लोगों को भारत में, यदि वो आना चाहें तो वहां से ला करके उनका ठीक क्वारंटाइन हो, उपचार हो, इसको सुनिश्चित करते हुए इन व्यवस्थाओं को भी हम तय करें। एक 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 सवाल आ रहा है कि आपके फालौदी से पूछ रहे हैं, जो जोधपुर लोकसभा से, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जल शक्ति मंत्रालय है और जोधपुर का एक बड़ा इलाका पानी के लिए, पूरा राजस्थान का एक बड़ा इलाका पेयजल के लिए भी परेशान हो रहा है और गर्मियां शुरू हो गई हैं और हम घरों के भीतर बंद हैं, तो पानी के लिए क्या वाकई में आपका मंत्रालय कुछ ऐसा प्लान लेकर के आएगा कि लोगों को लॉकडाउन तोड़ करके घर से बाहर पेयजल के लिए तो कम से कम ना जाना पड़े? देखिए, वैसे तो मैं जानता हूं क्योंकि वहां की परिस्थितियों को, देश का सबसे कठिन इलाका पश्चिमी राजस्थान जिसमें मेरा कर्म भूमि है, मैंने वर्षों तक इस रेगिस्तान में काम किया है, इसलिए मैं हर एक गांव ढाणी के दर्द को समझ सकता हूं, मैं जानता भी हूं। लेकिन पेयजल हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके आधार पर राज्यों का विषय, राज्य सरकारों को प्राथमिकता से उसको लेना है। निश्चित ही मैंने देश के लगभग सब पेयजल से जुड़ का काम देखने वाले मंत्रियों और उनके शीर्ष अधिकारियों, सचिव या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से पिछले दिनों में 3 दिन में टेलीफोन पर बात करके कि गर्मी को लेकर के किस तरह की प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है, उस सब को भी इस आपदा के समय, और क्योंकि इस आपदा के समय में जल का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, हम सबसे बार आग्रह किया जा रहा है कि पर्सनल हाइजीन पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा बार हाथ धोए हैं, 20-20 सेकंड तक हाथ धोए, इसलिए पानी की आवश्यकता भी बढ़ी है। बहुत सारे प्रदेशों ने उसके लिए एक्स्ट्रा पानी दे करके उसकी व्यवस्थाएं भी की है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ जगह पे नहीं हो पा रहा है। ये तो इस आपदा के समय के दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं, लेकिन कुल मिलाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी योजना पर हम काम कर रहे हैं, 3,70,000 करोड़ रुपए के खर्च करके, और हम लोग इस मुहिम में लगे हैं कि हम देश के प्रत्येक घर तक पीने के पानी को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल को पहुंचा सकें, और हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ में इस काम के ऊपर डटे हैं। जहां हमने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को घोषित किया था, तब भारत में कुल मिलाकर के 82% पॉपुलेशन ऐसी थी जिसके घर में, गांव में ग्रामीण आबादी जिसके घर में पीने का पानी नहीं पहुंचता था। हम उस आंकड़े को एक चरणबद्ध रूप से अगले 5 साल में पूरा करना चाहते हैं, उसको शून्य पर लाना चाहते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक सवाल, जब सरकार की तैयारियों पर बात होती है कोरोना को लेकर, कि ये समय नहीं है सवाल पूछने का, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों ने कुछ ने सवाल पूछा है, उनका कहना है कि कोरोना की टेस्ट क्षमता में अगर हम बात करें तो हम दुनिया में बहुत नीचे हैं, लगभग हमारा नंबर जो आ रहा है वो 133वां आ रहा है दुनिया भर में, तो हम अपनी क्षमताओं का विस्तार क्यों नहीं कर पाए जबकि हम 30 जनवरी को हमारे यहाँ पहला केस रिपोर्ट हो गया था? ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी क्षमताओं में विस्तार नहीं किया, ये अगर कोई तथ्य इस तथ्य पे कोई बात करता है तो ये मुझे लगता है कि उनको सही रूप से विषयों की जानकारी नहीं। 30 जनवरी को जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं उस दिन देश में कुल मिलाकर के दाई की संख्या में भी लैब्स नहीं थी जहां इस तरह के वायरल संक्रमण का को टेस्ट किया जा सके। आज 30 जनवरी से लेकर के, और मैं अब जब हम 12 अप्रैल को बात कर रहे हैं, तब इस 2.5 महीने के कालखंड में हमने देश में कुल मिलाकर के लगभग 200 ऐसी लेबोरेटरीज को, एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज को खड़ा कर दिया।
और उसके अतिरिक्त इस ग्लोबल पैंडेमिक की अवस्था में भी हमने पूरी दुनिया से ऐसे रैपिड टेस्ट किट्स को आयात किया, अगले 3 दिन में हमारे पास में यथाशक्ति रैपिड टेस्ट किट होंगे। लेकिन जो यदि मैं देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो देश की कुल जितने जिले हैं उसमें से केवल 30 ही जिले ऐसे हैं जो जिले रेड जोन में हैं, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है, संक्रमण फैला है। उसके कारण क्या होंगे उनके बारे में हमको अभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जहां संक्रमण फैला है और जहां संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है, ऐसे जिलों में टेस्ट करने के लिए जितनी क्षमता की आवश्यकता उतनी टेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास में है। लेकिन मैं फिर अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा, अपने सारे साथी जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, इस बीमारी का इलाज टेस्ट या इस बीमारी के इलाज में दवा उतनी कारगर नहीं है जितनी दूरी कारगर। हमको सोशल डिस्टेंसिंग के मंत्र को फॉलो करना और अपने हाइजीन को बनाए रखना, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो बाहर से वापस आकर के हम अपने हाथों को जो है ठीक से इधर सैनिटाइजर से साफ करें, और नहीं तो साबुन से, बढ़िया सैनिटाइजर है साबुन, उससे धो करके, और वो वैज्ञानिक रूप से सत्य है क्योंकि जो वायरस है उसकी आउटर स्किन जो है, आउटर शेल जो है वो फैट का होता है, इसलिए वो साबुन लगते ही वो समाप्त हो जाता है, वायरस खत्म हो जाता है। इसलिए उसको ठीक से अपने हाथ को धोएं और दूरी बनाए, व्यवहार में दूरी बनाए रखें क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। मुंह को कवर करके रखें, मास्क लगा करके रखें। चेकोस्लोवाकिया का उदाहरण हमारे सामने है, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन के साथ साथ में मास्क फॉर ऑल इस कैंपेन, और जब वो कैंपेन की बात करता हूं तो एक चीज और उल्लेख करना चाहता हूं कि वहां देश में जब 1 करोड़ की आबादी के लगभग देश में ये तय किया कि इतने मास्क की आवश्यकता पड़ेगी, मास्क कहां से आएंगे, तो देश ने का आह्वान किया कि जो सिल सकता है उसको मास्क सिलना चाहिए, और सब लोगों ने मास्क सिलना शुरू किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि 3 दिन में वहां के लोगों ने 1 करोड़ लोग जो सिल सकते हैं उन्होंने 1 करोड़ मास्क सिल करके दिए। आज अगर आवश्यकता किसी चीज की है तो वो है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है मास्क मुहैया कराएं, तैयार करें, और मास्क नहीं तो साधारण गमछा, जैसा प्रधानमंत्री जी कल परसों देश को संबोधित करते हुए बांध करके आए थे, हम साधारण गमछा जो गले में होता है, तौलिया, कपड़ा कुछ भी है, चुनरी, उससे मुंह को कवर करके और रखें ताकि हम खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे, दूसरों को बचाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की आपने बात की तो मैं अपने दर्शकों को बता दें कि ये इंटरव्यू भी सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही हो रहा है। हम और मंत्री जी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं और वहां से मिलकर आपके लिए लेकर के आए, और हम आपसे भी यही चाहते हैं कि आप भी अपने घरों के भीतर रहकर लॉकडाउन का पालन करें। एक सवाल इस बीच में ये खड़ा होता है कि वित्तीय हालातों को लेकर के वित्त मंत्री जी भी बता चुके हैं कि हालात कैसे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी भी आशंका व्यक्त कर चुके हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी आकर के देश के सामने बता दिया कि हालात अभी थोड़े से बुरे हो सकते हैं, तो इन बुरे हालातों से निपटने के लिए किस तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है सरकार? मुझे लगता है कि हमको ये कहना कि हालात बुरे हो सकते हैं ऐसा कहा ये नहीं है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की हो तो उन्होंने देश की प्रिपेयरनेस के बारे में बात की, माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला जी जब आई थी देश के दर्शकों के सामने तो उन्होंने 1,70,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की, किस तरह से हम लोगों को सहयोग करेंगे इसके लिए आएंगे। रिजर्व बैंक के अध्यक्ष जब आए थे तो चेयरमैन रिजर्व बैंक ने भी आकर के कि हम किस तरह से इस ग्लोबल आपदा के समय, ग्लोबल पैंडेमिक के समय अपने देश के आर्थिक संसाधनों को का ठीक से चैनलाइज करके उपयोग करते हुए गरीब मध्यम वर्ग के लोगों से लेकर के हर एक व्यक्ति की का ख्याल रख सके, इस दृष्टिकोण से जो हमने बदलाव किए उसके लिए आए। अन्यथा मैं ये कहूंगा कि हम किसी भी दृष्टिकोण से आज हमारे लिए ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि हमारा देश किसी आर्थिक क्राइसिस में फंस गया है। हमने तो उल्टा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक संदेश देश के सामने दिया, देश के सांसदों का कैबिनेट ने जो है ऑर्डिनेंस ला करके जो 1944 का एक्ट है, एमपीज का जो तनख्वाह जिसके जिस एक्ट के आधार पर मिलती है, कि उस संसद अधिनियम 1954 में जो है वो अमेंडमेंट करके सांसदों की तनख्वाह 1 साल के लिए 30% कम कर दी, केवल तनख्वाह नहीं उनके सारे भत्ते, ऑफिस एक्सपेंसेस सबको 1 साल के लिए 30% तक घटा दिया। जो एमपी लैड स्थानीय विकास के लिए जो निधि मिलती थी उस निधि को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया।
और इसके अतिरिक्त भी सरकारी खर्चों में हम किस तरह से अनावश्यक खर्चों में कटौती करें, और कटौती करके इस पैंडेमिक की प्रिपेयरनेस के लिए और गरीब व्यक्ति को मदद करने के लिए काम में ले सकते हैं, इस प्राथमिकता के ऊपर हमने विचार किया। जी बिल्कुल सही बात है। एक किसी के बीच में आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल, पूरा देश भी ये जानना चाहता है, आपके पास नमामि गंगे अभियान आपके मंत्रालय के अधीन हो गया है, तो पिछले 20 दिन से देश में लॉकडाउन है, ह्यूमन मूवमेंट बहुत ना के बराबर है, तो ऐसे में गंगा की जो गंगा में कहा जा रहा था कि बहुत ही मानव जनित वहां पर गंदगी जाती है, उसमें कितना अंतर आया है, और गंगा के पॉल्यूशन लेवल में कोई अंतर जो आपने मापा हो या आपके डिपार्टमेंट ने मापा हो? बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर लिखे गए हैं शैलेंद्र जी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी इसको छापा है। निश्चित ही देखिए, मूवमेंट कम हुआ, रोड्स पे ट्रैफिक कम हुआ, गाड़ियां क्या ऐसे जनित होने वाले पॉल्यूशन कम हुआ, उसके साथ साथ में जो है जो जो इंडस्ट्री सारी बंद हुई देश भर की लॉकडाउन के कारण से, जो एसेंशियल गुड्स से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज के अलावा बाकी सब इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई, उसके कारण से वायु प्रदूषण निश्चित रूप से कम हुआ है। दिल्ली जैसे जगह में जहाँ जो है पॉल्यूशन जिस स्तर पर होता था उससे हट करके सेफ जोन में दिल्ली आ गया है, जो रेड जोन में था वहां से लेकर के। जहां तक जल के प्रदूषण का है, जो इंडस्ट्री बेस्ड पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन निश्चित रूप से नदियों में रिड्यूस हुआ है। बाकी मानव उत्सर्जित जो जो सुवेज जाता है वो तो एज इट इज जा रहा है, कहीं वो तो बंद नहीं हुआ है, इसलिए उसके कारण से जो प्रदूषण हो रहा था वो प्रदूषण एज इट इज है। हमने इसके लिए, जैसा आपने अभी कहा था कि आपने इससे क्या सीखा, मुझे लगता है कि इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हालांकि अपॉर्चुनिटी वर्ड ऐसा है कि जिसको अभी इस समय में, इस आपदा के समय में उपयोग करना शायद हो सकता है ठीक नहीं रहे, लेकिन ये एक अवसर था कि जब सारे देश भर के उद्योग धंधे बंद थे उस समय में उन उद्योगों से जनित होने वाले प्रदूषण हमारी नदियों को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, हमने इसके स्टडी के लिए एक इस दौरान एक कार्यक्रम लिया है, और हमने जो है देश भर की नदियों का पानी इसके समय में जो है उनमें प्रदूषण का स्तर किस तरह से कम हुआ है इसको भी स्टडी किया है, और इसको स्टडी करते हुए हमको कुछ परिणाम आए हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस समय में उनके लिए कि आधिकारिक रूप से ऐसा कहना कि इतना प्रभाव हुआ है वो ठीक नहीं होगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो जो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री का एक विभाग है, वो और मेरे नदियों के संरक्षण पर काम करने वाले जो मेरा एक विभाग है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, और साथ ही साथ में गंगा के से शुद्धि से जुड़ा हुआ, गंगा बेसिन से जुड़ा हुआ विभाग है, वो सब मिलकर के इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन तय है, देखिए गंगा का जहां तक प्रश्न है, गंगा पिछले 5 साल में मिशन मोड में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया उससे निश्चित रूप से शुद्ध हुई, उसके परिणाम पूरी दुनिया ने देखे, कुंभ के समय में भी देखे और उसके बाद में भी देखे। आज भी मैं ग्लोबल पैंडेमिक को अगर मैं इस कोरोना की आपदा से पहले के समय की भी बात करूं, जब इंडस्ट्री सब चल रही थी, तो भी जो चार पैरामीटर, जिन चार पैरामीटर्स पर नदियों के पानी की स्वच्छता को विश्व भर में आंका जाता है, उन चार में से तीन पैरामीटर्स पर पूरी 2500 किलोमीटर की लेंथ में गंगा जो है बेदिंग क्वालिटी पानी को कैरी कर रही, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी सफलता हमने प्राप्त की थी। यमुना निश्चित रूप से दिल्ली से आगे आने के बाद में बहुत क्रिटिकल हो जाती है क्योंकि उसमें जल प्रवाह कम हो जाता है। ये जो जो चर्चा अभी सब मित्रों ने अखबारों में भी की, यमुना का पानी स्वच्छ हुआ है, निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता में सुधार आया, लेकिन उसका कारण, एकमात्र कारण केवल ये नहीं है कि इंडस्ट्री बंद हुई। पिछले दिनों में जो बरसात हुई इस लॉकडाउन के पीरियड में, उसके कारण से कुछ पानी का फ्लो बढ़ा, बरसात के कारण से जो नदियां, जो जो नहरें इसमें से पानी निकालती हैं, और जो हथनीकुंड से और वजीराबाद से और ओखला से, वो नहरों में पानी की निकासी कम हुई, तो वो पानी कंपैरेटिवली जो है वो नदी में ज्यादा बहा, उसके कारण से भी स्वच्छता हुई, तो अनेक कारण से मिलकर के हुई। लेकिन ये तय है कि जो हुई वो हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। एक एक बड़ा जो विवाद पूरे देश में है नदियों के पानी पर अधिकार को लेकर के, चाहे वो मध्य प्रदेश, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, कई जगह बैराज पर झगड़े चल रहे हैं राज्यों के, कर्नाटक में भी उसी तरह के विवाद चल रहे हैं, इन विवादों को सुलझाने के लिए जल मंत्रालय किस तरह से, जल शक्ति मंत्रालय भूमिका निभाने की, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान का राजस्थान का विवाद तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ गुजरात का विवाद नर्मदा बांध का अभी तक नहीं सुलझा है,
इनको सुलझानी, जो इस तरह देश में इंटर स्टेट विवाद है, इनको कैसे सुलझानी? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने जल को राज्य का विषय बनाया, नदियों का जल भी राज्य के का ही अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ में संविधान में इस बात की भी व्यवस्था की गई कि यदि दो राज्यों के बीच में विवाद है तो उस विवाद के निपटारे के लिए भारत सरकार जो है अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती है, तटस्थ रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। बाद में इसी संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जो है एक अधिनियम बनाया गया, वो अधिनियम था कि ऐसे विवादों के समय में किस तरह से ट्रिब्यूनल्स बना करके और उन ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से जो है ऐसे समझौते राज्यों के बीच में करें। यदि अंतरराष्ट्रीय जल बंटवारे की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता है, इंडस वाटर ट्रीटी, वो दुनिया की सबसे हॉलीवुड ट्रीटी है। 3 बार के प्रत्यक्ष युद्ध, 1962 का युद्ध, 1971 का युद्ध और उसके बाद में करगिल का युद्ध और उसके लगातार चल रहे छद्म युद्ध, उसके बाद में भी आज भी उस ट्रीटी को भारत ने पूरे शुचिता के साथ में सम्मान किया। लेकिन राज्यों के बीच में जो विवाद थे, बहुत सारे राज्यों ने भी अपने विवादों को सुलझाया, लेकिन कई सारे विवाद आज भी ऐसे पेंडिंग है। और दुर्भाग्य ऐसा है कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स जो इन विवादों को सुलझाने के लिए बनाए गए, वो तीन तीन चार चार दशक से, 3 दशक से और कुछ ट्रिब्यूनल 2 दशक से लगातार 20-25-30 साल से, 30 से भी ज्यादा साल से इस दिशा में काम कर रहे हैं, अभी तक निर्णय नहीं हो पाए। इस लॉगजैम को समाप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया, मेरा विभाग एक जो है अधिनियम लेकर के आया, हमने अमेंडमेंट लोकसभा में प्रस्तुत किया कि इस अधिनियम में अंतरराज्यीय जल बंटवारे के विवाद अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। लोकसभा ने उसको पारित कर दिया और अब राज्यसभा में वो पेंडिंग है। मुझे लगता है कि अगले सत्र में उसको राज्यसभा में पारित करा करके और एक समयबद्ध तरीके से इसका निपटान हो सके, जो 3 दशक लग रहे हैं, 4 दशक लग रहे हैं, 2 दशक लग रहे हैं, ऐसा न हो, केवल 3.5 साल के कालखंड में इसका डिस्पोजल हो जाए। जो अब तक काम हो चुका है उस सारे लगभग 5-3 पर काम कर रहे हैं, तो उसमें अगले 1.5 साल में सब ऐसे विवादों का निर्णय हो जाए, ट्रिब्यूनल के स्तर पर तो कम से कम हो जाए, इसको हम सुनिश्चित करने के लिए ऑलरेडी काम कदम आगे बढ़ा चुके। ये आपने सही बात कही कि ट्रिब्यूनल कई सालों तक काम करते हैं और उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता। अगर मैं मध्य प्रदेश और गुजरात के विवाद की बात करें तो वहां अभी भी नर्मदा विस्थापन जो मध्य प्रदेश के इलाके में होना था वो अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है और उसको लेकर मुझे लगता है शरद जी, मुझे लगता है कि वो विवाद का विषय वो अब ट्रिब्यूनल के स्तर पर नहीं है। आपकी जानकारी को थोड़ा करेक्ट कर दूं कि वो विस्थापन को लेकर के न जो है नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के बांध बनाने और उसके कारण से होने वाले विस्थापन को लेकर के सारे विषयों को सुप्रीम कोर्ट तक ने समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक जो है कमिटी ऑफ सम रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस और फ्यू रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस बना दी थी कि अब इसके बाद में जुड़े हुए विस्थापन का यदि कोई विषय बचेगा तो उसके ऊपर जाकर के बात की जा सकती है। और उस कमिटी ने भी 2016 में ही इस बात 2016-17 के साल में इस बात को आदेश कर दिया था कि अब यह विषय समाप्त हो गया और इसको पूरा भर दिया जाना चाहिए। समस्या ये नहीं है केवल सरदार सरोवर से नहीं, देश के अनेक बांधों में भी ये चुनौती है। हमने जमीन का अधिग्रहण किया, देश में जिस तरह की व्यवस्थाएं थी कि एक एक प्रोजेक्ट को बनने में 10-10, 20-20, 30-30 साल लगते थे और 10 से 20 साल 30 साल तक जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तब तक उन लोगों को जिनको मुआवजा देकर के खाली करने की व्यवस्था दे दी गई है उनको का जो है उचित मुआवजा उस दिन का, 20-30 साल पहले जब प्रोजेक्ट कंसीव हुआ उस समय मुआवजा देकर के उनको यहां से चले जाने के लिए भी कह दिया गया। और उसके बाद में भी क्योंकि 20 साल तक 10 साल तक या 15 साल तक वो बांध नहीं बना इसलिए उनको वहां से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब 20 साल गुजर जाने के बाद में या 30 साल गुजर जाने के बाद में एक पीढ़ी बदल गई और वो पीढ़ी कहती है कि साहब हमको मुआवजा उस समय मिला था अब हम कैसे जाएं। तो ये इसके कारण से चुनौतियां जो और बढ़ी हैं और सरदार सरोवर की चुनौती भी ठीक ऐसी ही एक समस्या जी। ये चुनौतियां इस तरह की, लेकिन ये चुनौतियां कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए तो ह्यूमन एंगल की तरफ देखने के लिए होती है कि आखिर उन निश्चित रूप से ह्यूमन एंगल की तरफ देखा है सरकार ने। और जिन राज्यों को, जैसा मैंने कहा कि ये राज्यों का विषय है, जिन राज्यों को भी ऐसे जो है प्रोजेक्ट को करने के लिए आवश्यकता है जब जो प्रभावित है उनको निश्चित रूप से ह्यूमैनिटेरियन एंगल के साथ में इस पे काम करना चाहिए। हम पोलावरम जो नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में जिस पे हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में काम कर रहे हैं, हमने ऐसे सारे विषयों को ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखते हुए ही
R&R के विषयों को, क्योंकि अब 2013 का जो है भूमि अधिग्रहण कानून आने के बाद में तो ये मैंडेटरी हो गया, सरकार के लिए आवश्यक हो गया है कि वो अगर 5 साल से ज्यादा का पीरियड हो गया है तो उसको नए दर के आधार पर सारा R&R करना पड़ेगा। इसलिए इसमें कानून भी जो है वो गरीब आदमी के पक्ष में, किसान के पक्ष में, विस्थापित होने वाले लोगों के पक्ष में और सरकार भी उनके पक्ष में। ये बिल्कुल सही बात है। एक आखिरी सवाल हम जानना चाह रहे हैं कि एक ये सवाल कई दर्शकों ने भी पूछा है कि पानी पेयजल एक मौलिक अधिकार है, ये राज्यों का विषय जरूर है, लेकिन आज देश में पानी का कारोबार बढ़ गया है, लोग अब भी साफ पानी के लिए देश में परेशान हैं, सरकार की क्या भूमिका है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर आपकी, कि आप राज्यों के साथ समन्वय बनाएं, उनको इस बात के लिए जिम्मेदारी तय करें कि वो पानी मुहैया कराएं बजाय बिस्लरी पिलवाने के। देखिए, मैं आपके सवाल का समर्थन करता हूं। मैं एक बार फिर जो मैंने पहले बात कही थी वही कहूंगा। 2014 से 2019 के 5 साल में माननीय मोदी जी आम जनता के जुड़ी हुई समस्याएं उनका समाधान करना और उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य के साथ में काम, चाहे वो गरीब को आवास देना हो, चाहे उसके घर में बिजली नहीं लगी है तो बिजली लगाना हो, उसके घर में गैस का चूल्हा नहीं है तो गैस का चूल्हा देना हो, उसके घर में शौचालय नहीं है तो उसको शौचालय प्रदान करना हो या उसको बैंक का खाता प्रदान करना हो, ये सब साधारण मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से किया। अब जिनके सिर पे छत नहीं थी उनको छत मिल गई, गैस का चूल्हा मिल गया, शौचालय मिल गया, बैंक का खाता मिल गया, बिजली मिल गई, केवल एक चीज की कमी थी और वो था कि उसको पीने का स्वच्छ पानी उसके घर तक, उसके घर तक पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचे। और 2019 के 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, 18 करोड़ परिवारों तक पहुंचाएंगे। पिछले 70 साल के आजादी के कालखंड में सब तरह की सरकारों ने, सब विचारधारा की सरकारों ने और सारे प्रदेशों की सरकारों ने मिलकर जितने एफर्ट्स किए उन सब से मिलकर के भी हम 18% तक पहुंचे थे। बचे हुए 82% को जो है 5 साल के कालखंड में पूरा करने का लक्ष्य लेकर के हम चले। 370,000 करोड़ रुपए का नियोजन जो है देश की सरकार और राज्य की सरकारें इसमें करेंगी। मैं एक बात प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूँ, काम की गति शायद हो सकता है कुछ प्रदेशों में बहुत अच्छी होगी, कुछ प्रदेशों में शायद अभी वो गति नहीं पकड़ पाई होगी, लेकिन चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, सारी सरकारें कम से कम पानी के विषय में एक मत एक राय होकर के इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए से सम्मत है के साथ में खड़ी और सब लोग निश्चित रूप से पूरी अपनी क्षमता के हिसाब से इस पर काम करें। बिल्कुल सही बात कही अपने कि सभी राज्य अपनी क्षमता के साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें और देश को कम से कम साफ पानी पिलाएं। गजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें हुई, कहीं ना कहीं देश जिस अभी माहौल में है उसमें आपने उम्मीद जताई है लोगों के प्रति कि वो लोग सरकार पर भरोसा रखें और उम्मीद रखें कि सरकार आपको इस बुरे समय से निकाल करके बाहर ले जाएगी, चाहे वो हालात हो और चाहे बुरे हालात जो अभी नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन बढ़ेगा लेकर शैलेंद्र जी नमस्ते, सारे दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वायरस हम पकड़े इससे पहले हमें वायरस पकड़कर समाप्त करें, इसलिए सरकार काम कर रही है, लेकिन खुद को बचाना और देश को इस महामारी से बचाने की जिम्मेदारी सरकार के साथ में प्रत्येक व्यक्ति की है। हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझकर मानते हुए जो है सरकार का सहयोग करें और अपने देश को सम्मान के साथ में इस आपदा से बाहर निकालें। मैं एक मिनट लेना चाहता हूं आपका जी, देश जी, ये आपदा जब समाप्त होगी तब हमारे पास में दो तरह के अवसर होंगे आने वाले इतिहास में। हम सब लोग अपने पूर्वजों को बहुत गर्व के साथ में याद करते हैं, हम ऐसे लोगों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया, अपना सर्वस्व समर्पण किया, जीवन जवानी समर्पित की, उनको भी हम सम्मान के साथ में याद करते हैं। ये वैश्विक आपदा इतिहास में दर्ज होगी, ये तय है। अब हमारे पास दो तरह के अवसर है, एक तो हम उस श्रृंखला में खड़े हों, उस श्रृंखला में सबसे आगे खड़े हों कि हमने उस समय ठीक से व्यवहार किया, ठीक से हमने जो है उत्तरदायित्व के साथ में, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हम सब ने, एक देश ने काम किया तो हम अपने देश में इस आपदा को फैलने से बचा सके और इस वैश्विक महामारी के समय में भी देश में, दुनिया में सबसे कम नुकसान हो, ऐसे देशों की पंक्ति में खड़े हुए। और दूसरी जो है ऑप्शन हमारे पास में ये है कि हम
शर्म के साथ में उस समय सिर झुका करके खड़े हों कि यदि हमने ठीक से व्यवहार किया होता तो शायद हम लाखों लोगों का, हजारों लोगों का जीवन बचा कर बता सकते थे। अब ये तय हमको करना है कि हम कौन सी पंक्ति में खड़ा होना चाहते हैं। ये देश को निर्णय करना है इस आपदा के समय में हमारा व्यवहार जो है इतिहास में हमको किस दृष्टिकोण से याद किया जाए, इसका अवसर हमको प्रदान करेगा। ऐसा मानते हुए हम सबको अपने आप को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, पर्सनल हाइजीन का पालन करते हुए और साथ साथ में अपने चेहरे को ढक करके रह करके एक उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। आप सबको, आपके दर्शकों को वैशाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज तो हमारे लिए निश्चित रूप से प्रेरणा का दिन है, आज जलियांवाला बाग की घटना की तिथि है, सारा देश निश्चित रूप से उस घटना को याद करके संवेदनाएं व्यक्त कर रहा होगा, लेकिन उन हुतात्माओं के साथ में खड़े होकर के भी आज संकल्प करने का दिन है कि हम आज इस वैश्विक आपदा के, उस समय वैश्विक आपदा शायद कुछ और रही होगी, लेकिन आज उनसे प्रेरणा लेकर के भी हम अपने आप को ये संकल्पबद्ध कर सकते हैं कि हम इस वैश्विक आपदा से लड़ने के लिए एकजुट, एक राय, एक साथ होकर के खड़े हैं। और ऐसे लोग जो कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं उन सब का अभिनंदन व्यक्त करते हैं, भैया उनका सबका अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये देश के लिए सबसे जरूरी है। और इसी के साथ मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो हमारे साथ जुड़े। हम आगे फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और इस सलून में बैठे हुए सब लोगों का भी धन्यवाद।